वेलकम अगेन स्टूडेंट्स एंड योर फ्रेंड्स टू द न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा देखेंगे कि एक स्क्वायर के अंदर हम और स्क्वायर्स कैसे ड्रा कर सकते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ एंगल के साथ वो ड्रा हुआ हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक स्क्वायर और उस स्क्वायर को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इसको कंसिडर कर लेता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरफ पे लाइन एक और एक लाइन इधर ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर पे और एक लाइन यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और आखिर में जो है 10 सेंटीमीटर पे इधर एक लाइन ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक स्क्वायर। अभी इस स्क्वायर के अंदर अगर दूसरा स्क्वायर मैंने लगाना है तो वो फॉर एग्जांपल 75 डिग्री पे है। ये लाइन मैंने ली थी 10 सेंटीमीटर और अभी मैं इसे छोटा स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 8 सेंटीमीटर के लिए मैं एक स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। तो एक पॉइंट में इधर लगा लेता हूँ और दूसरा आप देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और तीसरा पॉइंट मेरे पास ये इधर लग जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर इस तरफ से। और ये थोड़ा सा मैं रफली कोशिश कर रहा हूँ कि क्लियर आ जाए, लेकिन ये रफ हो रहा है मेरे से और आपने बिल्कुल ठीक तरीके से कोशिश करनी होगी। और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और यहाँ से 2 सेंटीमीटर, सॉरी ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगा और ये वाला नहीं सॉरी, और 2 सेंटीमीटर आपने इससे इधर ले लेना है। तो अभी देख ले आप इसको इधर रखना है आपने, इसको आपने रखना है यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप इसके साथ लगा दें और इसको आप यहाँ पे लगा दें। साथ ही अभी 2 सेंटीमीटर पे और यहाँ पे हमने लेना है। तो ये देख ले आप 2 सेंटीमीटर यहाँ पे एक पॉइंट और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे एक पॉइंट, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे एक पॉइंट और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे एक पॉइंट। तो अभी इनको मिलाते हैं इन सारे पॉइंट्स को, तो इससे मेरे पास ये स्क्वायर कुछ यू बन जाएगा। स्क्वायर इधर, यहाँ पे इधर और यहाँ पे आ जाएगा ये भाई इधर और ये यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा। तो अभी इसका देखते हैं कि कितना एंगल इसके बीच आ रहा है, थोड़ा सा इसको मेजर कर लेते हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि जो प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर को हम यूज़ करते हैं फॉर ड्राइंग और द एंगल और फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एंगल है मेरे पास बन रहा है बिल्कुल। मैं इस अगर आप इसको आपने यूज़ कैसे करना है इस प्रोट्रैक्टर को, तो प्रोट्रैक्टर में ये जो दो लाइंस आपको नज़र आ रही है, एक ये लाइन है, एक ये वाली लाइन है जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस पे है, और दूसरी लाइन ये वर्टिकल। तो यहाँ पे आपके पास इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास ओरिजिन है। तो इस ओरिजिन को आपने रखना है बिल्कुल इसी पॉइंट पे आपने रख लिया है और इसको बिल्कुल आपने बिल्कुल पैरेलल करना है। अभी आप देख सकते हैं ये 70 है, ये 80 है, 70 और 80 के बीच एंगल बन रहा है 75। तो ये मैं लिख लेता हूँ 75 डिग्री। अभी इसको हमने किस तरह लेना है कि ये एंगल कितना बन रहा है, तो इसको भी आपने बिल्कुल एज पैरेलल लेना है, ठीक है जी। तो अभी आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लेके आप इधर देखें ये एंगल मेरे पास बन रहा है। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल इसका मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये आ जाएगा इधर यहाँ पे। तो ये तकरीबन 60 से थोड़ा सा कम आ रहा है, ठीक है। तो ये एंगल है आपके पास इस तरह कुछ 58 डिग्री। साथ ही अगर आपने दूसरा मालूम करना हो तो इसी तरीके से आप इसको बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखें और इसी के थ्रू आप मेजरमेंट ऑफ एंगल्स कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ऐसी बेसिक लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।